तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सारी वीडियो रिकॉर्ड करते समय किस एप्लीकेशन का हमें उपयोग करना चाहिए, जिससे कि दोस्तों क्या होगा, जो भी हमारा वॉइस होगा वो दोस्तों काफ़ी साफ सुथरा आएगा और दोस्तों सामने वाले को भी काफ़ी क्लियर सुनाई देगा। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और दोस्तों पूरा देखना। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस बारे में जान लेते हैं कि अपनी सारी वीडियो बनाने के लिए अपने वॉइस को रिकॉर्ड करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों, जब भी आप अपने शायरी को रिकॉर्ड करें तो दोस्तों अगल बगल से कहीं से भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यानी दोस्तों, मेरा मतलब है कि कहीं भी पंखा ना चालू हो या फिर दोस्तों थाली बर्तन ऐसी की आवाज़ ना आए, जिससे दोस्तों क्या होता है कि जो भी हमारा शायरी होता है उसमें दोस्तों बीच बीच में वो आवाज़ होता है, जिसके कारण दोस्तों एक गलती के कारण हमारा शायरी बेकार लगने लगता है। अब दोस्तों, दूसरी गलती दोस्तों ये है जो कि दोस्तों हर कोई करता है, मैं भी किया था और आप भी करते होंगे। यानी कि दोस्तों, जब भी हम अपने वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं तो दोस्तों ऐसे जगहों को हम चुनते हैं जहां पर कि हमारा आवाज़ गूंजता है। तो दोस्तों, अपने शायरी को रिकॉर्ड करते समय ऐसे जगहों को कभी भी ना चुने जहां पर कि दोस्तों डबल ट्रिपल आवाज़ आए। ऐसे जगहों को चुने जहां पर कि दोस्तों आप जो बोल रहे हो वो दोस्तों एक बार ही आवाज़ आ रही है। यानी कि दोस्तों, जो भी जगह होता है वो दोस्तों भरा होता है, उस जगह पर अपने वॉइस को रिकॉर्ड करें। तो दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब बारी आती है एप्लीकेशन की कि अपने शायरी को किस एप्लीकेशन से रिकॉर्ड करें। और दोस्तों, मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा किस तरह से वॉइस आती है और कैसे आती है, आपके सामने दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सीखने के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन है और किस तरह से वर्क करता है और दोस्तों कौन कौन सी सेटिंग करनी रहती है। तो हे गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। और दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद सिंपली हमें करना क्या है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना इको ECHO। तो दोस्तों, जैसे ही मैं सर्च करता हूँ मेरे सामने दोस्तों जो पहला एप्लीकेशन खुलकर आता है, सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, मैं पहले से इंस्टॉल कर लिया हूँ तो इसलिए दोस्तों मेरा ओपन दिखा रहा है। और दोस्तों, मैं जब भी अपनी शायरी रिकॉर्ड करता हूँ तो दोस्तों इसी एप्लीकेशन से रिकॉर्ड करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसके दोस्तों थ्री डॉट पे क्लिक करना है। उसके दोस्तों सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों ये ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों रिकॉर्ड बटन दिखाई देगा तो इस पर सिंपली क्लिक करना है और दोस्तों सेकंड वाले पे टिक लगा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा इको इफेक्ट, तो दोस्तों ये भी ऑफ रहेगा तो इसको भी ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों इको वॉल्यूम पूछेगा तो सिंपली आपको 10% ही रखना है, क्योंकि दोस्तों जो भी हमारी वॉइस होती है उसमें दोस्तों ज़्यादा इको आ जाएगा, इसलिए दोस्तों 10% ही करके मैं अपने वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ, जिससे दोस्तों मेरी जो वॉइस होती है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी आती है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में, तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट वाले में दिखाई दे रहा है इको डेली, तो दोस्तों सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसको 0.1 सेकंड भी रख सकते हो या फिर तो दोस्तों 0.2 सेकंड भी रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 0.2 सेकंड किया हूँ, यानी दोस्तों मैं अपने वॉइस को जब भी बोलूँगा वो दोस्तों 0.2 सेकंड के लिए ओवर डबलिंग होकर आएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों मैं इस वॉइस को थोड़ा रिकॉर्ड करके सुना देता हूँ। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपने सुन के देख लिया होगा कि किस तरीके से आवाज़ आती है। अब दोस्तों सिंपली इसको सेव करने के लिए सिंपली करना क्या है, इस पर दोस्तों क्लिक करना है तो दोस्तों ये रेड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद दोस्तों नाम भी लिख सकते हो या फिर तो दोस्तों यहाँ से आप सेव भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी शायरी को किस एप्लीकेशन से रिकॉर्ड करना चाहिए और दोस्तों कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि हम करते हैं वो दोस्तों हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।